तो हाय एवरीवन, आज हम अपने इस वीडियो में अपने एग्जिस्टिंग टेबल्स जो हैं उसके ऊपर एक पेजिनेशन की फंक्शनैलिटी लगाने वाले हैं। तो पेजिनेशन का मतलब होता है जैसे हमारे पास अभी के लिए पूरा का पूरा टेबल में 30 डेटा है एंड हमें स्क्रॉल कर करके और जाना पड़ रहा है नीचे देखने के लिए। बट हम चाहते हैं कि एक बार में एक पेज पे 30 डेटा ना, पूरे के पूरे 30 डेटा रेंडर ना होके हम केवल 10 डेटाज को रेंडर करें या 8 डेटा को रेंडर करें एंड बाकी के अगले पेज पे रखें। एंड यहाँ पे एक बटन प्रीवियस और नेक्स्ट करके बटन होगी, उस पर क्लिक करके हम अगले पेज या प्रीवियस पेज पे जा सकते हैं। एंड एक पेज पे एक साथ 8 डेटा टेबल का दिखाएंगे, बाकी का डेटा हम नेक्स्ट पेज पे दिखाएंगे। एंड तो उस फंक्शनैलिटी को हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं। एंड अब तक हम अपने टेबल में सर्च की फंक्शनैलिटी लगा चुके हैं, फिल्टर की ड्रॉप डाउन की हेल्प से फिल्टर की फंक्शनैलिटी लगा चुके हैं। एंड वापस से अगर हम किसी फिल्टर अप्लाई कर चुके हैं उसको रीसेट करना है तो हम रीसेट के बटन दे चुके हैं जिससे हम अपने पूरे टेबल को रीसेट कर पाएंगे। एंड उसके साथ साथ सॉर्ट की फंक्शनैलिटी दे चुके हैं जो अल्फाबेटिकली सॉर्ट करता है हमारे टेबल एग्जिस्टिंग टेबल के और कंटेंट को। तो एंड वापस से हमने किस सॉर्ट किया है एंड इसको भी रीसेट करना चाहते हैं, हम डायरेक्टली रीसेट बटन पर क्लिक करेंगे, अपने ओरिजिनल फॉर्म में ये डेटा आ जाएगा। तो इतनी फंक्शनैलिटी हमने लगा रखी है। इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक नेक्स्ट और प्रीवियस की बटन्स हो एंड बीच में पेज नंबर लिखते हो और किस पेज पे एग्जिस्टिंग है वो पता चले हमें। एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट पेज पे जाएं, नेक्स्ट पेज का डेटा दिखे हमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो बटन्स बना लेते हैं। तो बेसिकली मैं चाहता हूँ कि जो रीसेट फिल्टर था, ये जो रीसेट फिल्टर वाले बटन है, इसके बाद इसके बीच में हम एक बटन्स ऐड करते हैं दो। और इसके लिए हम क्या करते हैं, इस बटन के बाद एक डिव बनाएंगे, डिव एंड एंटर एंड इसके अंदर हम बनाएंगे बटन। बटन बनाते हैं सबसे पहले प्रीवियस बटन प्रीव्यू करके बनाते हैं एंड इसके बीच में एक बटन होगी, इसको नेक्स्ट बटन कर देते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए हमारे पास देख सकते हैं यहाँ पे प्रीवियस बटन है, नेक्स्ट बटन है, दो बटन्स हो गए। और हम चाहते हैं इन दोनों बटन्स के बीच में एक बीच में कंटेंट भी दिखता रहे कि एग्जैक्टिंग पूरे के पूरे पेज हमारे टेबल पे कितने पेजेस हैं वो दिखे एंड अभी के लिए किस पेज पे हमारा मतलब कंटेंट जो देख रहे हैं वो किस पेज नंबर का देख रहे हैं वो दिखे। तो इसके बीच में हमें डालना होगा एक स्पैन टैग बनाते हैं, स्पैन टैग बनाए एंड इसके अंदर अभी मैं हार्ड कोड करके डाल देता हूँ लाइक पेज नंबर 2 ऑफ मतलब 2 सेकेंड पेज पे हम किस पेज पूरे में मान लेते हैं चार 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 पेज का पूरा हमारा टेबल है एंड उसमें से हम सेकंड पेज पे भी एक्टिवली है। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड अभी हम देख सकते हैं कि लाइक हम सेकंड पेज पे हैं एंड कुछ ऐसा सा रिप्रेजेंटेशन है इसका। अब हमें क्या करना है कि इस पूरे पेज पूरे के पूरे पेज को सबसे पहले हमें एक पेज पे कितना डेटा दिखाना है, मान लेते हैं 8 डेटा दिखाना है। तो सबसे पहले ये जो डेटा पूरा का पूरा 30 दिख रहा है ये हमें डिसाइड करना होगा कि एक बार में हमें केवल 8 डेटा ही दिखे, बाकी का पेज डेटा हमें अगले पेज पे दिखाना है। तो ये जो ये डेटा बन रहा है बॉडी में ये डेटा के हेल्प से बन रहा है, तो हमें इस डेटा में पूरे के पूरे 30 डेटा डाल दिए इसलिए 30 डेटा दिख रहा है। तो हमें इसकी जगह बस 8 डेटा डालेंगे स्टार्टिंग के। तो क्या करेंगे, यूज़ इफेक्ट में आएंगे एंड जो सबसे पहली बार यहाँ पे और जब पेज लोड होता है तो उस टाइम पे हमने ये फंक्शनैलिटी दी है कि ओरिजिनल डेटा में जो कुछ भी पड़ा है वो तो सारा का सारा इसके अंदर डाल दो। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, बस हमें पहली बार जब पेज पे आएगा तो उसे केवल स्टार्टिंग के 8 डेटा डालने हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट स्लाइस, स्लाइस का यूज़ करेंगे, स्लाइस का यूज़ करेंगे एंड इसको 0 इंडेक्स से लेके 8 इंडेक्स तक का डेटा इसको इसमें स्टोर करना है। ठीक है, अब हम जाते हैं ब्राउज़र पे एंड रिफ्रेश करते हैं। तो आई होप सो ओके, कुछ पड़ा है, हमने ओरिजिनल डेटा में से सेट डेटा कराया एंड वापस से ओके, यहाँ पे हमने ओरिजिनल डेटा फिल्टर लगाया, हमें आई थिंक यहाँ पे भी सेम चीज़ लिखनी चाहिए, सेम स्लाइस एंड 0 इंडेक्स से लेके 8 इंडेक्स तक इसमें करना है। ठीक है, क्योंकि ये फिल्टर ब्रांड है, फर्स्ट टाइम ये वाला भी कंडीशन और रेंडर होती है एंड आई होप शो चल जाए। ओके, ये अभी भी नहीं चला क्यों, क्योंकि ओके ओके हमने डेटा सेट में खाली कर दिया एंड सेट डेटा हम कहाँ पर आ रहे हैं, ओरिजिनल डेटा में स्लाइस किया 0 से 8, ओरिजिनल डेटा पे स्लाइस किया और 0 से 8। एंड सेट डेटा कहाँ से है, इसके अलावा सॉर्टेड
ये तो हैंडल शॉर्ट पे चलना है, सेट डेटा हैंडल शॉर्ट पे चलना है, इसके अलावा बटन ये तो नहीं चलना है। ओके, मैंने यहाँ डॉट दे दिया, सॉरी स्पेलिंग मैच। अभी देखते हैं, ओके तो अभी चल गया। तो अभी क्या होगा कि फर्स्ट टाइम जब हम इस पेज पे आएंगे तो अभी के लिए इसके पास केवल के ओनली एंड ओनली 8 डेटा है जो कि यूज इफेक्ट के टाइम पे हमने डिसाइड कर लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको बंद करते हैं। एंड अब फर्स्ट टाइम का तो हो गया, ठीक है। अब लेकिन ये जो पेज 0 से 8 है ये चेंज होने वाला हमारा अकॉर्डिंग टू कि हम किस पेज पे हैं, ये सब हमें ट्रैक करना पड़ेगा। सबसे पहले ट्रैक करेंगे कितने पूरे नंबर ऑफ पेजेस बनने वाले हैं, एंड उसके बाद हम एक्टिवली किस पेज पे हैं, एंड इस पेज पे जो कंटेंट दिखने वाला है वो कौन सा दिखने वाला है। इसके लिए हमें 2-3 स्टेट्स बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले हम स्टेट्स पे चलते हैं, यहाँ पर इंटर करते हैं, एंड एक बनाते हैं कॉन्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आइटम। एक सबसे पहले हमें डिसाइड करना होगा कि एक पेज पे कितने आइटम दिखाने हैं। आइटम पर पेज कॉमा सेट आइटम पर पेज, ओके। एंड इसके अंदर और यूज स्टेट से डालते हैं, मान लेते हैं मैं एक पेज पे 8 डेटा दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो 8 डेटा हो गया आइटम पर पेज में, ठीक है। इसके साथ साथ हमें चाहिए, कंट्रोल डी करते हैं, कॉपी करते हैं इसको। इसके साथ साथ हमें रखना है कि करंट पेज एक्टिव कौन सा है, करंट पेज एक्टिव, करंट एक्टिव पेज किस पेज नंबर पे हैं हम। एंड इसको पेस्ट किया एंड यहाँ पे सी कैपिटल कर देते हैं, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में जब ये आएगा यूज़र तो वो फर्स्ट पेज नंबर पे रहेगा, ठीक है। इसके साथ साथ हमें लिखना होगा टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने बनेंगे, टोटल पेजेस, ठीक है। अब इसको कॉपी करते हैं एंड सेट करा लेते हैं। टोटल पेजेस डिपेंड करेगा कि हमारी जो एरे की लेंथ है जिसके बेसिस पर डेटा बनना, मतलब इस ओरिजिनल एरे में जो डेटा इसकी लेंथ कितनी है उसके बेसिस पर हम निकालेंगे। स्टार्टिंग में मान लेते हैं इसकी इनिशियल वैल्यू कर देते हैं 0, एंड एक चाहिए होगा स्टार्टिंग इंडेक्स एंड एंड इंडेक्स स्लाइस करने के लिए। लाइक मैंने यहाँ पे 0 से 8 किया है, इस स्लाइस के लिए हमें एक स्टेट बनाना होगा स्टार्टिंग इंडेक्स और एंड इंडेक्स। लिखते हैं स्टार एंड, ओके यहाँ पे करते हैं स्टार्ट एंड एंड, यहाँ पे दोनों को हम स्टार्टिंग में और 0 दे देंगे एंड, ठीक है। अभी ये स्टार्टिंग में ये दोनों के दोनों 0 होने वाले हैं। एंड टोटल नंबर ऑफ पेजेस, टोटल नंबर ऑफ पेजेस करंट पेज हो गया, ओके। हम एक के एक और बनाना पड़ेगा जिसमें हम रखेंगे टोटल नंबर ऑफ पेजेस, टोटल, ओके। यहाँ पे बनाएंगे सेम ये चीज, टोटल टोटल पेज, और ये स्टार्टिंग में कितना हो जाएगा, स्टार्टिंग इसको भी हम टोटल नंबर ऑफ पेजेस को स्टार्टिंग मान लेते हैं 0 रखते हैं। जब यूज इफेक्ट में फर्स्ट टाइम लोड होगा उस टाइम हम डिसाइड कर लेंगे। एंड एक और चीज़ एंड स्टार्टिंग में स्टार्टिंग तो 0 होगा 0 से लेके, लेकिन एंड एंड वाले में हम डाल देंगे ये कितने नंबर ऑफ पेजेस पर आइटम होने वाले हैं। ये लाइक हमें 1 से लेके 1 पेज पे 10 आइटम दिखाना है, तो पहली बार जब पेज लोड होगा तो उसमें स्टार्टिंग इंडेक्स मतलब स्लाइस जो करना होगा एरे में वो 0th इंडेक्स से लेके और जितने पेज दिखाने, जितने डेटा दिखाने हैं उतने उतने इंडेक्स तक हमें स्लाइस करना होगा। इसलिए मैंने एंड इंडेक्स के बारे में इनिशियली डाल दिया आइटम पर पेज, जितने भी पेज में डेटा दिखाने हो फर्स्ट इंडेक्स पर वो डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं कि यूज इफेक्ट जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इसके अंदर ये 8 लिखा जो है इसको स्टार्ट इंडेक्स करते हैं, स्टार्ट एंड एंड को यहाँ पे 8 को एंड कर देते हैं। एंड सेम ये दूसरे वाले यूज इफेक्ट में भी डालना पड़ेगा, यहाँ पे भी ये करते हैं और स्टार्ट एंड एंड एंड, ओके ठीक है। वापस से जाते हैं, हम रिफ्रेश करते हैं एंड अब देख सकते हैं कि हमने हार्ड कोड नहीं किया, जैसा कि हम 1 से 8 तक स्टेट को डाल रखा है। अगर मैं स्टेट में आके और पेज नंबर काउंट कर दूं कि हम एक पेज पे 9 डेटा दिखाना चाहते हैं, तो अभी हम देख सकते हैं कि अभी 8 दिख रहा था, अब 9 दिख रहा है। तो इतना पार्ट हो गया। अब हमें क्या करना है कि बस ये जो भी अभी कंट्रोल्ड है एंड प्रीवियस और नेक्स्ट की क्लिक पे हमें स्टेट्स को चेंज करानी है, मतलब ये 2 को एंड इसको भी चेंज करानी है, और एग्जैक्ट करंट पेज पे कौन सा पेज एक्टिव है वो देखना है। उससे पहले हमें क्या करना है कि जब पेज लोड होता है फर्स्ट टाइम, मतलब ये वाला यूज इफेक्ट जब चलता है इस टाइम पे
हमें थोड़ी कैलकुलेशन करनी है। हम यहाँ पे आएंगे एंड सबसे पहले स्टार्ट इंडेक्स जो है स्टार्ट सेट स्टार्ट, हाँ सेट स्टार्ट में क्या करेंगे, करंट में अभी जो कुछ भी पड़ा है यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन होने वाली है। करंट में करंट पेज पे जो कुछ भी पड़ा है उसको माइनस वन कर देंगे एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर से आइटम पर पेज, जो कुछ भी आएगा उसको स्टार्ट में डाल देंगे एंड से इसी तरह और एंड करेंगे, एंड में डालेंगे। हम मैथ का यूज़ करने वाले हैं, मैथ डॉट मिन एंड इसमें स्टार्ट डालने वाले हैं। हम पैरेंथेसिस लगाएंगे, पैरेंथेसिस के अंदर स्टार्ट, स्टार्ट के पास जो कुछ भी पड़ा है उसमें प्लस करेंगे आइटम पर पेज को एंड आइटम पर पेज के साथ कंपेयर किसको साथ करना है, ओरिजिनल डेटा की जो लेंथ है उसकी, ठीक है। इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा उसको हम एंड में डाल देंगे एंड वापस से आते हैं सेट टोटल टोटल पेज, सेट सॉरी टोटल पेज, टोटल पेज में हम डालने वाले मैथ का यूज़ करने वाले एंड मैथ डॉट यहाँ पे शील्ड का यूज़ करेंगे एंड शील्ड में डाल देंगे ओरिजिनल डेटा डॉट लेंथ एंड ब्रैक, ओरिजिनल डेटा डॉट लेंथ को डिवाइड करना है हमें आइटम पर, जितने भी एक पेज पे आइटम पर पेज दिखाना है उसको डिवाइड करेंगे, हमें ये पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ पॉसिबल पेजेस बनने वाले हैं, ओके। एंड इतना करने के बाद हमें फर्स्ट टाइम जो कि डेटा हमें सेव कराना था, 0 1 ये सब कर रखा था, खाली एरे बना रखा था, यहाँ 0 बनाया यहाँ 1 बनाया, ये इसके अकॉर्डिंगली सेव हो जाएगा। मैं अगर आपको स्टेप करके दिखाऊँ तो कंपोनेंट्स में आते हैं एंड टेबल में आते हैं, अगर हम टेबल में आके देखते हैं तो यहाँ पे अगर तो मैं रिफ्रेश करूँ, एंड अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे स्टेट में 9 पड़ा है, हम एक पेज पे 9 डेटा दिखाना चाहते हैं, इस ये यहाँ पे 1 पड़ा है मतलब अभी करेंटली हम एक्टिवली पेज नंबर 1 पे हैं एंड स्टेट में 4 पड़ा है तो ये मतलब 4 नंबर ऑफ पेजेस, मतलब 30 डेटा को अगर एक पेज पे 9 दिखाना है तो नंबर ऑफ पेजेस 4 बनने वाले हैं। यहाँ पे 0 पड़ा है एंड यहाँ पे 9 पड़ा है, तो अगर मैं चलो एंड अब ये जो डेटा है यहाँ पे दिख रहा है ये 2 एंड 4, इसको अपने अकॉर्डिंगली हार्ड कोड जो किया है उसको हम चेंज करते हैं ताकि वो ऊपर से पिक करे। लाइक मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस देता हूँ एंड पेज, ओके पेज एंड यहाँ पे लिखता हूँ 2 की जगह करंट, यहाँ पे करंट पेज दे देता हूँ एंड यहाँ पे देता हूँ टोटल पेज, ठीक है। अभी वो क्या होगा कि अभी करंट पेज एंड टोटल पेज यहाँ पे दिखने लगेगा, मतलब कितने किस टोटल पेज कितने हैं पूरे के पूरे टेबल में एंड लाइक अभी मैं पेज नंबर 1 पे हूँ एंड ये 4 पेज नंबर 4 स्पेस पे पूरे के पूरे जो पॉसिबल पेजेस बनने हैं वो 4 बनने हैं, ठीक है। तो इतना पार्ट हो जाएगा। अभी हमें क्या करना है, इसके क्लिक पे हमें इसकी स्टेट्स चेंज करनी है, इसकी स्टेट्स चेंज करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे लगाना पड़ेगा दोनों पे ऑन क्लिक, और इन दोनों पे लगाते हैं साथ में हम ऑन क्लिक, क्लिक करेंगे ऑल्ट एंड ओके, ऑल्ट ऑन क्लिक लगाया, ऑन क्लिक सीरियलाइज, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक पे हम क्या करेंगे कॉल बैक फंक्शन कॉल करेंगे, फंक्शन का नाम सेम ही रखने वाले हैं एंड यहाँ पे लिखेंगे हैंडल डीएल हैंडल पेज चेंज, इसका पेज चेंज नाम दे देते हैं एंड इसके पैरेंथेसिस में पास करने वाले करंट में जो कुछ भी पड़ा है उसको माइनस कर दो 1, तो प्रीवियस में भी माइनस करना है एंड इसमें हमें प्लस करना है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस बस इतना ही होने वाला है, एक में हमें प्लस करना है मतलब आगे जाने के लिए हमें पेज को जितना भी जो जिस भी पेज पे उसको में से एक प्लस कर देंगे और ऊपर वाले में माइन प्रीवियस में माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अभी हमें ये मेथड बनाना पड़ेगा एंड हम चलते हैं मेथड बना लेते हैं ऊपर, तो मैं इसको सॉर्ट को बंद करता हूँ एंड हैंडल सर्च को भी बंद करता हूँ, एक नया मेथड यहाँ बनाते हैं कॉन्स्ट, पेस्ट किया नाम उसका एंड कॉल बैक फंक्शन बनाया, एरो फंक्शन बनाया, ओके ठीक है। अब यहाँ से नीचे से हम जो पास कर रहे हैं पेज जो भी पेज नंबर है वो एग्जैक्टली हमें यहाँ मिलेगा, यहाँ पे पेज पास करेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, बस सेट करंट करंट पेज, अब क्या हो जाएगा जो नीचे से पास हुआ है तो उसको हम पेज जो भी नीचे से पास हुआ है उसको डाल देंगे एंड इसके साथ साथ सेट, अब स्टार्ट डेट जो होगी वो स्टार्ट वाला स्टार्ट इंडेक्स वो चेंज होगी क्योंकि अभी करंट पेज चेंज हुआ है, अब हमें जो पूरे के पूरे ओरिजिनल एरे से स्लाइस लगानी वो अब चेंज होने वाला है, तो अभी क्या हमें पेज में से जो भी है उसको माइनस वन करेंगे और वापस से सेम वही लॉजिक है जो नीचे देखा था, हमें आइटम डॉट पर पेजेस से मल्टीप्लाई कर देना है एंड इसी तरह हम एक वेरिएबल में इसको डाल देते हैं स्टार्ट सॉरी
strt start equals to and page minus 1 and asterisk item per page. ओके मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ एंड अब यहाँ पे स्टार्ट ही डाल देते हैं ताकि थोड़ा कंफ्यूजन कम हो. ठीक है, अब हमें सेट एंड करना है और एंड में हमें डालना है क्या मैथ. नीचे वाला जो लॉजिक लगा था हमें वही लगाना है, मिनिमम फाइंड करना है एंड यहाँ पे स्टार्ट स्टार्ट प्लस आइटम पर पेज कॉमा. अब यहाँ पे दोनों में से डिसाइड होगा ओरिजिनल लेंथ ज़्यादा कम है या फिर आइटम पर पेज और इन दोनों को जोड़ने पे कम आ रही है. जिसकी भी वैल्यू कम आएगी उसको हम सेट इंडेक्स और सेट एंड में डाल देंगे. तो इससे क्या होने वाला है कि अगर हम अब आए पेज रिफ्रेश करें और ठीक है अभी आप यहाँ पे वैल्यूज देखिएगा ये चेंज होने लगेंगे. लाइक मैंने नेक्स्ट किया तो यहाँ पे चेंज होकर 2 हो गया. अभी पेज नंबर 2 जो कि एक्टिव है एंड यहाँ पे 3 किया पेज नंबर 3 एक्टिव है. पेज नंबर 4 5 6 हमें एक तो चीज़ ये रोकनी कि पेज नंबर और ये जो पेजेस हैं ये इससे ज़्यादा नहीं जा सकता. लाइक मैं पेज पूरे पेज 4 थे एंड हम चले गए 7 तक. लाइक इसी तरह मैं अगर कम करूँ तो ये माइनस में भी जा सकता है. हमें ये सबसे प्रॉब्लम है तो इसे रोकना पड़ेगा. इसका सबसे अच्छा तरीका है हमें इस बटन को डिसेबल कर देना चाहिए एट द मोमेंट जब वो उसकी साइज कम होती है 0 से. तो यहाँ पर डिसेबल कर देंगे डिसेबल्ड डिसेबल्ड इक्वल्स टू करंट. हम करंट पेज देखेंगे क्या ये बराबर अगर 1 होता है तो इसको डिसेबल कर देंगे. जैसे ही उसी तरह ये भी डिसेबल करेंगे कब नेक्स्ट होना बंद हो जब उसके बराबर हो जाए इसके करंट पेज जो है वो बराबर हो जाए टोटल जितने पेज बने थे उसके. ठीक है अब हम जाएंगे अगर ब्राउज़र पे एंड नेक्स्ट करते हुए जाएं एंड ये डिसेबल हो गया 4 पे जाके ही एंड अब हम नेक्स्ट नहीं कर सकते एंड सेम इसी तरह जैसे ही 1 हो गया तुरंत ही डिसेबल हो जाएगा. ठीक है अब हमें क्या करना है कि एक यूज इफेक्ट बनाना है जिसके हेल्प से हम इस डेटा को एग्जैक्टली सॉर्ट कर पाएंगे. ठीक है सॉरी सॉर्ट नहीं कर पेजनेशन लगा पाएंगे. लाइक अभी के लिए हमारे पास जो डेटा दिख रहा है वो मैं अगर करूँ तो यहाँ 8 डेटा दिख रहा है. मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पेज पर एंड 1 से 9 तक डेटा दिख रहा है एंड नेक्स्ट किया तो नीचे टेबल में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है. ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी हमने टेबल में कुछ भी डेटा सेट नहीं करा है. हम एक नया यूज इफेक्ट बनाते हैं. ओके यूज इफेक्ट एंड इसके अंदर डिपेंडेंसी में रखेंगे करंट पेज को. इस पे रखेंगे हम करंट पेज को एंड ठीक करंट पेज में हम क्या डालने वाले इसमें सेट डेटा कराने वाले हैं. सेट डेटा कराया एंड इसके अंदर डाला हमने ओरिजिनल डेटा में से फिल्टर स्लाइस करेंगे. स्लाइस स्लाइस करने कहाँ से वाले स्टार्ट से एंड कॉमा एंड तक. स्टार्ट में जो भी पढ़ा है वो और एंड में जो भी पढ़ा है वो. अब हम चलते हैं ब्राउजर पे एंड रिफ्रेश करते हैं. अब लाइक हमारे मैं आपको यहाँ पे दिखाते भी रहता हूँ साथ में कि लाइक टेबल के अंदर गए एंड कंपोनेंट्स में अभी हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये 1 पड़ा है एंड एंड स्टार्ट 1 पड़ा है एंड एंड जो है वो सॉरी इसमें एंड एंड आई थिंक ये 9 वाला एंड होगा या फिर ये वाला एंड होगा नाम नहीं दिख रहा है. ठीक है तो अभी इसने क्या किया कि 1 से लेके एंड 9 तक का पूरा डेटा स्लाइस करके डेटा में डाल दिया. लेकिन अगर मैं जैसे नेक्स्ट करूँगा अब क्या हो रहा है ये 10 से लेके यहाँ तक डाल दिया एंड अभी जो इसकी हो गई साइज हो गई 18. ठीक है अभी मतलब एग्जैक्टली जो हमारा स्लाइस वाला पार्ट है वो 18 तक चला गया. एंड अगर मैं एक बार और करूँ स्लाइस कहाँ से करना एंड जैसे कि ये 3 पेज नंबर हम ये जो बता रहा है ये पेज नंबर 3 है तो मतलब पेज नंबर 3 और ये पूरा का पूरा डेटा है एंड ये जो दोनों पार्ट है ये स्लाइस करने के काम आ रहे हैं. मतलब 18 से लेके 27 तक दिखाना है स्लाइस करके डेटा. ठीक है एक बार रिफ्रेश करता हूँ आपको समझ में होप शो आ जाए एंड टेबल पे आए. ठीक है अभी के लिए देखिए ये जो लास्ट 11 एंड 12 है तो ये स्लाइस वाला स्टार्ट स्टार्ट जो है वो 0 है एंड एंड पार्ट जो 9 है. इससे क्या हो रहा है कि जब हम पूरे के पूरे एरे पे 0 से लेके 9 तक का डेटा स्लाइस होके डेटा में आ जा रहा है. जब हम नेक्स्ट कर रहे हैं तो हमने इसकी स्टेट चेंज करी. अब 9 से डेटा जो 9 से लेके 18 तक स्लाइस हो रहा है एंड सेम इसी तरह पेज नंबर 2 एक्टिव है. एक पेज पे 9 डेटा दिखाना है और टोटल पेज नंबर ऑफ कंटेंट कितना है वो पेज 4 बन रहा है. हम नेक्स्ट कर करके लास्ट इंडेक्स पे अगर चले जाए एंड अब ये डिसेबल हो गया एंड हमारा स्लाइस जो है 27 से लेके 30 तक है क्योंकि इस पे बस 3 ही डेटा बचा है. इसलिए तो आई होप
आपको समझ में आया होगा। एंड अकॉर्डिंग टू यहाँ पे भी हम सॉर्टिंग लगा सकते हैं, लाइक हम यहाँ पे अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर सकते हैं, यही डेटा सॉर्ट हो रहा है। एंड सर्च के लिए जो है वो सर्च में हम पूरे के पूरे की, लाइक KEY करके की होल्डर सर्च कर सकते हैं। एंड ब्रांड्स में, लाइक मैं अगर ब्रांड ये की होल्डर लाइक मैं इसे हटा दूँ अगर, ठीक है, मैं कुछ और भी सर्च करता हूँ। अगर मैं कुछ यहाँ से सर्च करूँ लाइक इन्फिनिक्स है, तो इन्फिनिक्स 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 ये रहा, इन्फिनिक्स सर्च करूँ तो वन सर्च होगा, तो मतलब फिल्टर भी काम कर रहा है। हम रिसेट कर देंगे तो वापस से ये फिल्टर लग गया, एंड इसके पास नव ही डेटा है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगी और आपकी कुछ हेल्प हुई होगी। मे बी आपको ऐसे पेजनेशंस लगाने पड़े तो आप लगा सकते हैं। सो थैंक यू, इस वीडियो में इतना है, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए फीचर के साथ टेबल के।